हम लोग जो सुझाव देने चाहेंगे सरकार, जो झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, अलग राज्य बनाने में एमएलएमपी कोई बन जाए मंत्री, लेकिन राज्य निर्माण में हम लोगों का योगदान है, चाहेंगे कि इस बार मामला हाईकोर्ट में नहीं बने। हम लोगों का डिमांड इस बात का है कि अगर स्थानीय नीति बने तो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने। आंध्र प्रदेश का तर्ज में क्या किया है, आंध्र प्रदेश राज्य ने बड़ा चालाकी से, चतुराई से, संविधान विधिवत्ता उस विशेषज्ञों से राय लेके उन्होंने क्या किया, वो 371 में लिस्ट बना दिया। उसमें कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। भारत देश के जितने भी राज्य बना है, पंजाब है, हरियाणा है, नागालैंड है, मणिपुर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, बिहार है, उसमें लिखा गया 371 धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत राज्यों का विशेष उपबंध किया गया। जब ये खतियान के आधार पर सर्वमान्य ये स्थानीय नीति तय होगा तो केवल राज्य सरकार को पूरा अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 63 में संसद को अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है कि किसी राज्य के लिए स्थानीय नीति परिभाषित निर्धारित कर सकते हैं। राज्य सरकार केवल यह प्रस्ताव देगी, विधेयक बनाएगी और केंद्र सरकार को बनाना है किसी राज्य के लिए, ये आर्टिकल 16। ये अधिवक्ता वकील ने बहस नहीं किया, अब इसी लाइन में जाना होगा। दूसरा, जैसे जाएगा तो स्थानीय नीति को आंध्र प्रदेश के तर्ज पर जाना होगा। यहाँ पर थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का नहीं है, यहाँ पर टोटल सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस आंध्र प्रदेश में है। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड टोटल आईएएस आईपीएस छोड़ करके स्टेट का सिविल सर्विस का टोटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा, गुजरात महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में है। हम लोग चाहेंगे कि खतियान के आधार पर जो होगा, अंतिम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ये बिल्कुल 371 में जोड़ा जाए झारखंड को कि झारखंड स्पेशल प्रोविजन पर झारखंड स्टेट ऐसा करके उस सूची में शामिल होना चाहिए। हो गया स्थानीय नीति। और कहा जा रहा है कि उसको 9 सूची में शामिल करेगा। 9 सूची का मतलब दोनों ही मामला अब केंद्र के पाले में जाने वाला है। और सामने हम लोग देख रहे हैं कि 2024 केंद्र सरकार बीजेपी का भी टारगेट है और झारखंड में भी 2024 में चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि मामला टाल मटोल ना हो, डिले डेलिंग ना हो, यहाँ विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वमान्य जो है स्थानीय नीति बना के उसको आरक्षण नीति को तमिलनाडु के तर्ज पर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का आरक्षण नीति 69% है, 50% से ज्यादा है। माने किसी भी राज्य में और केंद्र में अगर आरक्षण बनाएंगे तो भारत का संविधान बोलता है नॉट मोर देन 50%, 51 नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो 9 शेड्यूल में विशेष उपबंध करना पड़ेगा। तमिलनाडु में 69% हुआ था और उनको जो है 9 शेड्यूल में मान्यता मिल गया। मतलब जो आज यहाँ सवाल हेमंत सोरेन सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, दोनों मुद्दे स्थानीय नीति और आरक्षण नीति, ये दोनों रेजुलेशन लेंगे, विधेयक भी बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ये संविधान सम्मत नहीं होगा जब तक कि लोकसभा राज्यसभा पारित नहीं होता और जब तक वो मामला 9 शेड्यूल आरक्षण में नहीं इंक्लूड होता और जब तक जो है ना ये 371 धारा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होता और तब तक राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाते तब तक हम लोगों को एक तो संदेह है, तब तक ऐसा ना हो जाए यहाँ खानापूर्ति हो जाए और उसके बाद देखिए 2024 पहुंच गया, आचार संहिता लागू हो गया, बोलेगा भाई मैं तो कर दिया, मुझे फिर वोट दो बहुमत, मैं तो कर दिया, मामला तो केंद्र सरकार का, ये संदेह हम लोगों का है। मैं फिलहाल इतना कहूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।